फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग देखेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट को जब देखते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या दिखाई देगा, ये फ्लावर का एक हिस्सा होता है। ये हिस्सा जो देखते हैं उसका नाम क्या सर, आपको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से बुलाते हैं। फिर यहाँ से आपको ना आपको एक मेल पार्ट हुआ जी, ठीक है। अभी आपको याद कीजिए, इसको इतना से इतना दूर के इलाका को क्या नाम देते हैं हम लोग, इस सबको यहाँ से मिला करके हम लोग कार्पेल के नाम से बुलाते हैं जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्पेल या पिस्टिल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। अब पॉइंट नंबर टू ये है कि सर इसका ये पार्ट स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये पार्ट क्या इसका स्टाइल है, ये इसका क्या सर ओवरी है, ओवरी। ये पार्ट जो देख रहे हैं इसका नाम क्या एंथर है, एंथर में ही पोलन ग्रैंड बनता है। पोलन ग्रैंड अभी आप लोग ये समझिए मेल गैमेट की बात हो रही होगी। एक ये फिलामेंट है ये, और ओवरऑल एक और फोटोग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं। जैसे प्लांट हुआ ये, तो एक फ्लावर जो देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है ये, आप लोग के लिए बेसिक जो नहीं पढ़े चैप्टर 5 11th का प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसके लिए है कि जब ये प्लांट को देखते हैं आप, तो उस प्लांट में एक आपको एक तना निकलेगा। उस तना से सर क्या होगा, एक डंठल तैयार होगा जिसका नाम क्या सर आपको, इसको हम लोग पेडेंसिल के नाम से लाते हैं, पेडेंसिल। और इसके ऊपर में आपको क्या देता है, कैलिक्स होता है ये। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, कोरोला होता है, कैलिक्स कोरोला है ना। फिर उसके बाद एंड्रोसियम, इसको हम लोग एंड्रोसियम पढ़ते हैं, हम बताएंगे आज अच्छे से इसको भी हम, लेकिन थोड़ा सा बेसिक दे रहे हैं कि फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, और ये उसका एंड्रोसियम। ये अब जो देख रहे हैं गाइनोसियम, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गाइनोसियम के नाम से लाते हैं। अभी आप बोल रहे थे पिस्टिल सर, हाँ ये भी चलेगा, गाइनोसियम, गाइनोसियम बुलाइए, या इसी का एक और नाम दीजिए पिस्टिल, आप इसको चाहे तो पिस्टिल भी बुला सकते हैं। अभी हम लोग इसमें मुद्दे पे नहीं फंस रहे हैं कि गाइनोसियम पिस्टिल में क्या डिफरेंस है। इसका नाम एंड्रोसियम भी है, इसका नाम आपको एक और नाम था स्टामिन के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, एक भी इसको स्टामिन कहते हैं। ये सब भी देखना है हम लोगों को। तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ठीक है। दो जगहों पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, है ना। और फ्लावर को जब देखते हैं सर हम लोग, ये पार्ट क्या आपको पिस्टिल है, ये पार्ट क्या सर आपको, है ना, आपको एक मेल पार्ट हुआ जिसका नाम स्टामिन के नाम से, सबको एक साथ क्या नाम देते हैं, स्टामिन के नाम से बुलाते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है कोई, हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। प्लांट में हम लोग आज पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, लेकिन आपको पहले ये जानना होगा कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे है। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपको, है ना, पिस्टिल या कार्पेल में, ठीक है। और एक क्या होगा सर आपको, स्टामिन में, स्टामिन मेल पार्ट होगा इसका, और पिस्टिल कार्पेल क्या होगा सर आपको, इसका फीमेल पार्ट होगा जी, ठीक है। ये मेल पार्ट है, ये क्या सर इसका आपको फीमेल पार्ट है जी। इतना नहीं घुमाना चाह रहे थे हम, लेकिन अभी आप लोग ये समझ रहे होंगे सर यही पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता होगा। अब पॉइंट नंबर टू क्या है कि सर इसको जब देखते हैं, ये ओवरी हुआ, इस ओवरी को काट के देखोगी ना, इसको जब काट के देखे तब इसके अंदर में ओव्यूल आपको दिखाई देगा। मतलब क्या, यहाँ ओवरी को हटाएंगे ना सर, इसके अंदर में एक खास ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओव्यूल कहते हैं। आप लोग ओव्यूल नहीं देखे होंगे, लेकिन आप ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे फीमेल गैमिट बनता है, यहीं पे आपको क्या दिखाई देगा, फीमेल गैमिट बनता है, ठीक है। ये सब फीमेल गैमिट सब है, और यहाँ से आपको क्या होता है सर, आपको मेल गैमिट पहुंचता है, पोलन ग्रेन पहुंचता है। अब पोलन ग्रेन जब पहुंचता है तो इसी के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, यहाँ पे एग था ना, तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। एग और मेल गैमिट मिलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग और एंथेरोजॉइट, है ना, एग और एंथेरोजॉइट मिलेगा, तो इसमें आपको क्या बनता है सर, आपको ये आगे जाकर के जायगोट बनाता है, सही है ना, जायगोट बनता है। हम सब जानते हैं जायगोट जरूरी है अगला पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जायगोट का होना जरूरी है। चलिए इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। जायगोट बना ना, यही हिस्सा, जायगोट वाला ही हिस्सा जो देखिएगा आगे जाकर के इम्ब्रायो में बदलेगा, जो कि कल के क्लास में हम बताए थे आपको, जायगोट आगे जाके किसे बदलता है आपको, इम्ब्रायो में चेंज करता है जी। आवाज जा रहा ना सबको, हेलो किसी का माइक ऑन लगता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको यहाँ पे कि जायगोट जो है, ठीक है, जायगोट जो देख रहे थे हम लोग, जायगोट जब बना, जायगोट आगे जाके किस में बदल रहा है, इम्ब्रायो में बदल रहा है, ठीक है। और इम्ब्रियो जो बन गया सर, ठीक है, ये इम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, इम्ब्रियो समझे, नेक्स्ट जनरेशन। तब उसी टाइम में ये हिस्सा जो था, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ओव्यूल।
ओव्यूल किस में चेंज कर जाता है सर आपको, सीड में बदल जाता है। इसका काम क्या होता है, सीड बनना। आप लोग सब देखे होंगे आप इसका मतलब है ना कि किसको ओव्यूल कहते हैं। आम का जो आंठी देखते हैं ना वो एक तरह से ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है जब वो फ्लावर अवस्था में रहता है, तो फ्लावर की स्टेज में रहता है, और ये आगे जाके सीड में बदल जाता है। और ये जो ओवरी का हिस्सा था यही आगे जाके फ्रूट में बदल जाता है जी। ओवरी ही किसमें आगे जाके बदलता है, फ्रूट में जाकर के बदलता है जी। ठीक है, तो देखिए समझा रहे हैं आपको हम कि प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्लांट में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सर, तो प्लांट में फ्लावर है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब प्लांट में जो फ्लावर को जब देखते हैं हम लोग, अगला चैप्टर में अच्छे से बात भी करेंगे हम इस सब पे। और जब फ्लावर को देखते हैं तो उसमें फीमेल पार्ट है ये, ये इसका क्या है, मेल पार्ट है। इसके अंदर में क्या देखते हैं हम लोग, ओव्यूल देखते हैं सर। इसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, ओव्यूल। और इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, ओवरी। इसका नाम था ओवरी और ये था मेल साइड। और जब यहां से आपको फ्लावर का पोलन ग्रेन अंदर आता है, अंदर आने के बाद जब इसके अंदर में जाता है फर्टिलाइजेशन करता है, यहाँ पे ओव्यूल था, इसी के अंदर में एग होता है जी, एग मतलब फीमेल गैमिट, और इसी के साथ मेल गैमिट आके फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइज करता है तो यही पे जायगोट बनता है। जायगोट एक सेल का, प्लांट मल्टी सेलुलर, यहाँ भी जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। यही तुमको याद रखना है जी। ठीक है, हम तुमसे पूछ सकते हैं कि प्लांट में है ना एम्ब्रियो कौन सा साइड में बनता है, तो जायगोट एम्ब्रियो में जाके बदलता है। और कुछ दिन बाद मतलब जब जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हो रहा होता है, उसी के कुछ समय बाद ओव्यूल किसे बदलता है आपको, सीड में आपको चेंज होता है। और उसी के कुछ समय बाद ओवरी किस में बदलता है आपको, फ्रूट में चेंज करता है। यही तीन बात आपको याद रखना है, बाकी सब पार्ट, बाकी सब पार्ट विदर कर जाता है, विदर में झड़ जाता है, ये हिस्सा हट जाएगा। या आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये सब हटता चला जाएगा, फ्लावर का ये सब पार्ट जो था, ये सब पार्ट कट करके अलग हो जाता है, ये सब हटना शुरू हो जाएगा, ये सब का काम खत्म, ये भी काम खत्म। अब बस रह क्या जाएगा, ओवरी। यही ओवरी आगे जाके किस में बदल जाएगा सर आपको, फ्लावर सॉरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर में जो आपको ओव्यूल था, वो ओव्यूल किस में बदल जाएगा आपको, सीड में चेंज कर जाएगा। ये पूरा हो जाएगा फ्रूट, और फ्रूट के अंदर में क्या हो जाएगा सर आपको, ये सीड। किसी जमाने में ये ओव्यूल माना जाता था और किसी जमाने में इसको ओवरी माना जाता था, पर अब ये फ्रूट और सीड में बदल गया, यही बात याद रखना है। चलो सीधा सीधी बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। हमने आपसे पूछेगा आप लोगों से कि प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा हिस्सा क्या चीज में चेंज करता है। प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान है ना ओव्यूल किस में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ये बात याद रखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव है, हम 11th में भी बताएंगे आपको, यहाँ भी देखना है। और ओवरी जो है, ओवरी जो देखते हैं हम लोग, ये किस में बदल जाता है, फ्रूट में चेंज कर जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। और तीसरा नंबर पे क्या है सर आपको, है ना कि आपको जायगोट, जायगोट किस में चेंज कर जाता है, जायगोट चेंज कर जाता है सर आपको एम्ब्रियो में, ये आपको एम्ब्रियो में चेंज कर जाता है जी। ठीक है, ये एम्ब्रियो में चेंज कर जाता है। बाकी सारा हिस्सा जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टामेन, अभी नाम सुनने को मिला था स्टामेन, दूसरा नाम सुनना था स्टिग्मा, तीसरा नाम सुनने को मिला था आपको पिस्टिल सॉरी स्टाइल, है ना, चौथा नाम क्या सुनने को मिला था, कैलिक्स, कैलिक्स, और पांचवा उसके नाम था आपको कोरोला, है ना। ये सब क्या होता है सर आपको, झड़ जाता है। कोरोला आपको पढ़ाए थे ना, पेटल को कहते हैं और सेपल को कहते हैं कैलिक्स, ये सब क्या होता है, विदर कर जाता है। विदर माने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान ये सब गायब हो जाता है, ये सब का काम खत्म। ये फर्टिलाइजेशन से पहले रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब काम क्या होता है, खत्म कर लेता है, मतलब विदर हो जाता है। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म हो गया जी। ठीक है, अब उसमें आपको एनसीईआरटी में समझा रहा है क्या, एनसीईआरटी में देख रहे होंगे तो एक फोटोग्राफ दिखा रहा करा कि भाई चलिए ठीक है सीड बना ना, तो किसी किसी आपको फल के अंदर में, ये फ्रूट हुआ, एक किसी किसी फल के अंदर में एक से ज्यादा सीड हो सकता है सर। जैसे कोई देखिएगा आपको कोई ऐसा भी फल हो जिसमें एक से ज्यादा सीड दिखाई दे, ये सीड है, सीड एक से ज्यादा हो, है ना। तो सर एक से ज्यादा सीड हो तो कोई टेंशन नहीं है, सब कहीं ना कहीं दीवार से चिपका होगा, याद आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई दीवार से आपको ये चिपका दिखाई देगा। जिस जगह से चिपका रहता है उसको हम लोग प्लासेंटा के नाम से लाते हैं, उस जगह को क्या नाम देते हैं, प्लासेंटा। और जिस घटना से आपको अटैचमेंट रहता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। प्लासेंटा के अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लासेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। अब एक पॉइंट पे और गौर कीजिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, समझाइए एक मिनट, हम बुक लेके आते हैं।
देखिएगा 11th में 12th में ये फोटोग्राफ अब हम आपको समझा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक माना जाएगा और इससे एक बात एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको। ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं है ना, ये आपको समझा रहे हैं। अब पी का मतलब पेरिकार्प होगा और एस का मतलब सीड होगा। अभी क्या चीज का फोटोग्राफ है ये हम थर्ड में आप लोग से पूछेंगे भी। उसके बाद एक फोटोग्राफ और देखिए, एक फोटोग्राफ क्या है जो 11th में हम पढ़ाए, सुबह वाला बैच का बच्चा सबको थोड़ा दिक्कत होगा पर शाम वाले बैच वाले बच्चे को हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाए हुए हैं। और ये फोटोग्राफ देखिए सब आदमी, ये फोटोग्राफ का टॉपिक का नाम है प्लासेंटेशन, यही टॉपिक यहाँ पे था प्लासेंटेशन। और वही जो फोटोग्राफ अभी दिखाए थे वो भी किस चीज का था, प्लासेंटेशन का ही था। ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। हम कहना चाह रहे हैं क्या कि भाई एक प्लांट में एक सीड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज्यादा सीड आ जाए तो सर आप उसको सीड का अलग अलग पैटर्न देखिएगा, अरेंजमेंट का सीड का जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग तौर तरीके से अटैच रहता है जी। ठीक है, मतलब क्या, जब कोई प्लांट को आप देखिएगा उस प्लांट में आपको ये फ्रूट हुआ, ये आपको क्या हुआ, नहीं ये आपको देख रहे थे हम लोग सीड वगैरह दिखाई देगा। सर ये मान लीजिए ये दीवार हुआ ना, ये इधर से दीवार हुआ, इधर से दीवार हुआ, तो सर यहाँ पे एक अलग सीड का अरेंजमेंट है ना, ये ओव्यूल है तो आगे जाके सीड बनेगा ना, यहाँ पे एक सीड हुआ, फिर यहाँ दूसरा सीड हुआ है ना, एक तीसरा सीड हुआ, मान लेते यहाँ पे कहीं भी हम बना सकते थे, हमने बस एक पैटर्न बनाना शुरू किया। आपको लड़का याद करो या हम इसको ऐसे हटा दे तो तुमको कैसा लग रहा भाई, गोल चीज लगेगा, दाएं बाएं से सीड लगेगा ना जी, 1 2 3 4 ऐसे करके याद कीजिए। इस तरह के सीड का जो अरेंजमेंट होता था, इस जगह को क्या कहते हैं, प्लासेंटा, जहां से सीड है ना किससे चिपका है, फ्रूट हुआ ना, इसका नाम क्या था, फ्रूट वॉल, फ्रूट का दीवार, और ये क्या है सर, सीड है। सीड और फ्रूट कहीं से अटैच रहेगा, नहीं अटैच रहेगा तो गिरने लगेगा ना, झाड़ के नीचे अंदर इसमें गिरा रहेगा, लेकिन देखे जाए कहीं से चिपका रहता है, जिस पॉइंट से चिपका रहता है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, प्लासेंटा के नाम से बुलाते हैं। और हम कहना चाह रहे हैं कि प्लासेंटा का अरेंजमेंट अलग अलग दिखाई देगा। कोई लड़का देखे ऐसा किनारे किनारे हर जगह प्लासेंटा है, यहाँ भी प्लासेंटा, यहाँ भी प्लासेंटा। अब इंग्लिश में बात करेगा तो इसके लिए वो नहीं शब्द इस्तेमाल किया, पेराइटल प्लासेंटा है, पेराइटल, पेराइटल मतलब किनारे होता है, पेराइटल प्लासेंटा दिखाई दे रहा है सर, ऐसे बोल सकता है ना वो हमको। और प्लासेंटा समझा रहा, जब बच्चा माँ की दीवार से अटैच रहता है उसको क्या कहते हैं, प्लासेंटा। अब यहाँ भी वही बात नहीं, बच्चा तो अगला नेक्स्ट जनरेशन, सीड क्या है, अगला पीढ़ी है, कभी मिट्टी में डालते हो तो फल डालते हो कि सीड डालते हो, फल डालिएगा तो पेड़ नहीं फल का ही गर्व कर पाएगा ना, लेकिन वही सीड डालते हैं तो पेड़ निकलता है ना, इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि ये अगला बच्चा है, अगला जनरेशन है। अगला जनरेशन अपने माँ की दीवार से कैसे अटैच रहता है, बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। हमको ये भी बात गौर करने का था सर कि प्लासेंटा अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, किसी प्लांट में ऐसे प्लासेंटा अरेंज होता है तो किसी प्लांट में जब देखिएगा, यहाँ पे फोटोग्राफ बना रहे हैं, तो किसी प्लांट में प्लासेंटा जब देखिएगा ऐसे भी अरेंज होता है, याद कीजिए हम ऐसे करके एक लाइनिंग खींचते थे, इस लाइनिंग में बीच में आपको प्लासेंटा दिखा देते थे, याद आ रहा है जी मुनीर, तुम लोग था ना इस समय, खाली जो सुबह वाला बैच का बच्चा सब उसको था कॉपरेट करना होगा, बाकी शाम वाला बैच को हम इसे पढ़ाए हुए हैं। और हम बता रहे थे क्या कि आपको ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है प्लासेंटा का, तो आप देखिए इस दो कोना के बीच में प्लासेंटा दिखाई दे रहा है, दो कोना के बीच में, ऐसे वो एक्जियल कहेंगे ना, इसी को हम लोग एक्साइल कहते हैं ना सर जी, एक्साइल है ना, एक्साइली प्लासेंटेशन। तो वही बात यहाँ पे भी है कि जब आप एक फल को देखते हैं ना सर आप, तो फल के अंदर में सीड का अरेंजमेंट तरह तरह से होता है जी। जैसे आप मटर का फोटोग्राफ देखिए, अभी आप 12th का एनसीईआरटी देखिएगा, 12th के एनसीईआरटी मटर का फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, मटर में देखिएगा ऐसे आपको अरेंज रहता है सीड है ना, इस तरह से आपको अरेंज दिखाई देगा। जब आपको एक ही तरफ सारा प्लासेंटा हो, सबका सब प्लासेंटा किधर की तरफ दिखाई दे रहा है, एक ही साइड दिखाई दे रहा है, तो ऐसे प्लासेंटेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद कीजिए आपको इसको हम लोग को हम लोग मार्जिनल के नाम से बुलाते थे जी। ठीक है, कहोगे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है सर आप, तो आप रट्टा मारिएगा, चारों फोटोग्राफ देखिए एनसीईआरटी में, चारों फोटोग्राफ में से सबका नाम बताइएगा। ठीक है, एक मौका आप लोग को भी दे रहे हैं, पहला फोटोग्राफ किस चीज का है जी, तो देखने से लग रहा है मटर का पौधे का है जी। ठीक है, ये मटर के पौधे में आप देख रहे हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन है और इस तरह से अरेंजमेंट है। अब दूसरा फोटोग्राफ किसका है जी, यही तुम लोग से मेडिकल में क्वेश्चन से पूछेगा कि दूसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये आपको किस चीज में दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, फिर तीसरा किस में है ना, चौथा किस में, देखिए दूसरा टोमेटो है, टोमेटो लिखिएगा इस पे, ये टोमेटो में ऐसा फोटोग्राफ दिखाई देगा जी। ठीक है, और तीसरा मस्टर्ड है, ठीक है इसका मस्टर्ड लिखिएगा, और चौथा लेमन है, लेमन एंड ऑरेंज है ना, ये लिखिएगा। ठीक है, मतलब पहला फोटोग्राफ तो मटर देखने से लग रहा है, दूसरा वाला जो फोटोग्राफ है वो टोमेटो लिखेगा, उसके नीचे हम तुमसे पूछेंगे ये किस तरह के प्लांट का आपको अरेंजमेंट है, सीड और प्लासेंटा, तो टोमेटो, और तीसरा में आपको क्या लिखना है, तीसरा में आपको लिखना है आपको मस्टर्ड है जी, मस्टर्ड के नाम से हम लोग बुलाएंगे, मस्टर्ड है, चौथा क्या है सर आपको, लेमन है,
ये याद रखना होगा आप लोगों को, ये लेमन सब में आपको ऐसा दिखाई देगा जी, ठीक है। अब पी का मतलब जानते हो ना, पेरिकार्प, फ्रूट वाल को ही हम लोग दूसरे भाषा में क्या बुलाते हैं, पेरिकार्प के नाम से बुलाते हैं। और एस का मतलब सीड है, ये इसको एस दिखा रहा है एनसीईआरटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा जी, ठीक है। हम आपको अभी नया क्या है पढ़ाएं, ये सर प्लांट में सीड और है ना फ्रूट वाल में एक अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, और उस अरेंजमेंट को हम लोग प्लासेंटेशन के नाम से बुलाते हैं। तरह तरह का प्लासेंटेशन एलिमेंट की बुक में पढ़ाया गया है, इसमें से चार को फोटोग्राफ बना दिया, मेंशन ने किया कि क्यों दिखा रहा है ये फोटोग्राफ, तो हमने बता दिया, ये सब प्लासेंटेशन को बताने के लिए बता रहा था एनसीईआरटी, है ना। और आप लोग समझ भी गए होंगे कि प्लासेंटेशन अलग अलग तरीके का होता है जी, ठीक है। अब वही बात यहाँ तक था, है ना, यहाँ तक। अब एक्साइलिया मार्जिनल छोड़ दीजिए, एक्साइलिया मार्जिनल तब पढ़ाएंगे, तब आएगा। अलेवेंथ में जिसको पढ़ाए हुए वो लोग समझ रहा होगा कि क्या बताना चाह रहे थे। लेमन में कैसा था, एक्साइल होगा, है ना, वो भी एक्साइल का ही फोटोग्राफ है जो टोमेटो का देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग फोटोग्राफ बनाए, इसलिए आपको याद रखना होगा। तो यहाँ तक हो गया जी, ये चैप्टर खत्म हो गया लगभग लगभग। एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देता है। सुबह वाला बैच का बच्चा सब खासा शांत रहेगा, शाम वाला बैच का जो बच्चा सब है, हालांकि लग नहीं रहा था शाम का बैच का था, एगो अजमत है सुबह वाला बैच का। और कौन है सुबह वाला बैच में, और कौन गाते हैं, मेहंदी सब तो आई नहीं है, सब सुता होगा ना, देखते हैं। एक क्वेश्चन है जी, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, मतलब अजमत जो सुबह वाला बैच में आते थे या प्लांट मॉर्फोलॉजी जो नहीं पढ़े, एक क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसे फल का नाम बताना है। देखिए हम आपको एक थ्योरी भी दे देते हैं, इधर आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद है ना प्लांट में क्या देखते हैं, है ना, कैलिक्स, कैलिक्स मतलब वही ग्रीन पार्ट, अभी हम फ्लावर का फोटोग्राफ बनाए थे ना, तो ये आपको यहाँ पे जो हरा रंग का पत्ता देखते हैं उसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैलिक्स। और एक चमकदार हिस्सा जो दिखाई देता है उसका नाम क्या है सर, कोरोला, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोला के नाम से बुलाते हैं जी। ये था आपको एंड्रोसियम, ये था एंड्रोसियम, और ये था गाइनोसियम, इसका नाम स्टिग्मा था, यहाँ पे स्टाइल, ये ओवरी था, ये जो ऊपर से देख रहे थे ये क्या था, ओवरी। तो हम कह रहे हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, है ना, एंड्रोसियम एंड स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल, सब विदर कर जाता है, सब झड़ जाता है, ठीक है, मतलब ये सब का कोई काम नहीं है, आगे जाकर के ये सब गिर जाता है, सब हट जाएगा, देखना ये सब ऐसे हट जाएगा, इस तरह से हट गया पूरा। जब ये हट गया तो बचा सिर्फ क्या, ओवरी, और ओवरी ही आगे जाके फल में बदल जाता है, ओवरी आगे जाके किसे बदलता है, फ्रूट में आगे जाकर के चेंज करता है जी। ये बात भी आप लोग समझ गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर टू है कि आपको एक ऐसे प्लांट का बताना नाम, है ना, अजमत बोलेगा, ठीक है, है ना, आपको ऐसा कौन सा प्लांट है, इन विच प्लांट कैलिक्स रिमेन प्रेजेंट, कैलिक्स, कैलिक्स रिमेन प्रेजेंट, रिमेन प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रिमेन प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कैलिक्स मौजूद ही रहता है जी, ठीक है। तो इस प्लांट उसका नाम बताना है जी, समझा है जी हम क्या बोल रहे हैं, हमको कम से कम 5-10 नाम सुनना है, है ना, एनसीईआरटी में आपको एक नाम दिखेंगे हम लोग, पर सुनना 4-5 स्टोरी, शाम वाला बैच से उम्मीद है, लेकिन अभी भी ना आपको पहले अजमत को मौका है, बोलो अजमत क्या होगा इसका आंसर, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें कैलिक्स रह ही जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी तुमको हरा रंग का चीज दिखाई देगा, हटेगा नहीं, जा रहा है अजमत, आवाज छो गया तुम भी, जा रहा है, जा रहा है सर, बताओ आंसर, बताओ तुम देखे वाइफ इतना जान लो, तुम खाया भी अभी होगा, समझा है क्वेश्चन क्या था, एक ऐसा पेड़ का नाम बताना जिससे फल के साथ कैलिक्स भी मिले, जबकि नियम का था कैलिक्स झड़ जाता है। यस सर, रुक जाओ, अभी नहीं शाम वाला बैठा नहीं बोलेगा कोई, कोई आइडिया नहीं है, अब बोलो शाम वाला बैच के बच्चे को मौका है, सोलानेसिया फैमिली, सोलानेसिया फैमिली, वेरी गुड, हाँ ये यही चाहते थे, ब्रिंजल भी होगा, देखिए आप लोग एनसीईआरटी में वहाँ पे ब्रिंजल लिखिएगा स्पेलिंग में, क्योंकि आपको फिंगर टिप से क्वेश्चन पूछा है ब्रिंजल का ऑप्शन देखे, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो याद करता है कि सोलानेसिया में परसिस्टेंट कैलिक्स था, याद आ रहा ना जी, सोलानेसिया, जो लड़का सोलानेसिया भी बोला है ना वो भी सही बोला है, ठीक है।
आपको सोलानेसिया सबसे बेस्ट आंसर यही होगा, ये पूरा फैमिली आ गया इसे, 50-60 को एग्जांपल हो जाएगा इसमें। आप ब्रिंजल लिखिएगा, समझा जाए मत, देखना कभी ब्रिंजल देखा है, बैगन देखा है, हेलो ब्रिंजल ऐसा आता ना जी, इस तरह से देखिएगा लगा रहता है पूरा ऐसे, ब्रिंजल जब देखिएगा है ना, ऐसे बैगन का फोटोग्राफ देखोगे उसमें ऐसे हरा रंग का हिस्सा देखते हो लगा रहता है ऐसे, है ना, चिपका रहता है इस तरह से, ये हरा रंग का हिस्सा देखो ग्रीन होता है ये, देखियो ये वाला, इसी को ना कैलिक्स कहते हैं। अभी लाना पड़ेगा क्या ब्रिंजल, समझ में आ जाएगा? हेलो, यस सर, समझना है ना, कभी बैगन को खरीदोगे ना तो बैगन में देखना हरा रंग का हिस्सा लगा रहेगा, मम्मी इसको काट के हटाती है तब, तो ये हरा रंग का हिस्सा ही कैलिक्स है, कैलिक्स चिपका ही रह गया, ये फल हो गया। हाँ, ये भी तुम जानना होगा कि फल का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो मीठा लगे खाने में उसको फल कहते हैं, हम बोले जिसका सीड ढका हो ना जिस चीज से उसको फ्रूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप है ना, आप भिंडी भी खा रहे थे, एक तरह का फल खा रहे हो, फ्रूट है जी, मतलब ये जरूरी नहीं कि फ्रूट का मतलब मीठा चीज ही हो, फ्रूट का मतलब कि सीड हो, सीड पे कवर लगा हो, सीड पे कवर लगा ऐसा नहीं दैट इज ये फ्रूट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग फ्रूट के नाम से बुलाएंगे। तो आप जितना भी सब्जी खाते हैं, अब वो सब्जी अगर सीड वाला हो, सीड के ऊपर में कवर लगा हो तो उसको फ्रूट मानेंगे। जैसे एग्जांपल में बोले ब्रिंजल भी एक तरह का फल हो गया, जेली सर, क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ बोलो, जेली, जेली जो होता है सर जी, खाने वाला फल, जेली, जेली क्या आता है, हेलो, खाने वाला नहीं आता सर, फल, 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 जेली, जेली होता है, हाँ, उसके उसमें लगा रहता है जी ऊपर में, क्या था वो, स्ट्रॉबेरी या क्या क्या बोलना चाह रहे हो, स्ट्रॉबेरी जिसको बोलते हैं सर, हाँ स्ट्रॉबेरी, तो उसमें भी तो लगाया जाता है, हाँ वो भी है, हाँ, वो भी था, है ना, लेकिन आपको ज्यादा बेहतर आंसर ब्रिंजल दीजिएगा अभी, क्योंकि फिंगर टिप्स में क्वेश्चन ब्रिंजल ही ऑप्शन डाला है, पर आप जो जान रहा है 11th कलर का तो सोलानेसिया बोलेगा, इसमें सब आ जाता है, ब्रिंजल, टोमेटो, है ना, क्या नाम था, चिली, तम्बाकू, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा नाम आया है ना। तो देखिए ये बात समझा दिए, चैप्टर द एंड हो गया जी, ठीक है, चैप्टर का 3-4 लाइन है, पढ़ लीजिएगा कि पढ़ दे इसको भी, पढ़ ही देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया ये, उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, एक मिनट, ये पेज में हम लोग है, कल हम लोग ओबी पेरस वीवी पेरस पढ़ा दिए थे, तेजी में बोले थे, लेकिन ओबी पेरस वीवी पेरस हम आपको एक बार और बोल देते हैं, आपको जो नोट्स दिए है ना उस नोट्स में भी ओबी पेरस वीवी पेरस कॉलम वाइज बना हुआ है, हम कल बताए थे कि किसी किसी में सेल डिफरेंशिएशन बॉडी के अंदर ही हो जाता है, ऐसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस घटना को हम लोग वीवी पेरस कहते हैं, किसी किसी में क्या देखते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बॉडी से बाहर होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म अंडे को जन्म देते हैं, मतलब ओवम, मतलब एग को जन्म देता है, ठीक है। कल बस एक ही ट्विस्ट था, जायगोट का दूसरा नाम क्या है, जायगोट का एक और नाम क्या है, फर्टिलाइज एग के नाम से भी इसको बुलाते हैं, जायगोट को एक और नाम से बुलाते हैं, फर्टिलाइज एग के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज एग, है ना, देखिए ना, एग था, एग के साथ जैसे आपको स्पर्म मिला तो इसको क्या मानेंगे, फर्टिलाइजेशन मानेंगे ना, इसीलिए इसको हम लोग जायगोट का एक और नाम क्या दे सकते हैं, फर्टिलाइज एग, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ था एनसीईआरटी बुक में, जब फर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर आ जाने के बाद, है ना, बच्चे को जन्म दे, तब जाके सेल डिफरेंशिएशन होता होगा, ऐसी घटना को क्या नाम देंगे, ओविपेरस के नाम से लाते हैं, फिर से बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे को देते हैं सर, एग लेइंग एग कॉल आपको ओविपेरस, है ना, एग लेइंग का मतलब क्या सर, वो कच्चा अंडा, मतलब क्या, एग मतलब गैमिट, नहीं गैमिट नहीं, फर्टिलाइज एग होता है, फर्टिलाइज एग, जैसे देखो ना, हम बोलते हैं ना मुर्गी का अंडा जो कभी खरीदने जाते हैं ना हम लोग खाने के लिए, जो खरीदते हैं एग, तो आप लोग एग बोल देते हैं, पर बायोलॉजिकली वो सब गलत है, एक तो गैमिट को कहते हैं, है ना, कोलरका को आधा अधूरा नॉलेज रहेगा, वो जाएगा आजकल मुर्गी का अंडा खरीदने का कि हम हैप्लोइड सेल खा के आए, वो गलत बोल रहा होगा, है भाई, वो एग नहीं है, उसका नाम फर्टिलाइज एग है, उसका पूरा नाम लीजिएगा फर्टिलाइज एग, दुकानदार को बोलिएगा कि हमको फर्टिलाइज एग दीजिए, है ना, तो वो तुमसे मतलब क्या मांग रहा है, हमसे अजीबी तरह का कोई सवाल उठ गया। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी क्या, नेचर में देखिएगा, किसी का जो पूरा नाम होता है ना, कोई भी दोस्त उसका पूरा नाम कभी नहीं बुलाता है, ठीक है जी, कभी भी देखिए, जैसे मेरा ही नाम हुआ ना चंद्र प्रकाश भगत, इतना लंबा नाम कोई बोलेगा सीधे शॉर्टकट में चंदू बोल के निकल जाता है जी, ठीक है। वैसा ही बात यहाँ पे भी है कि हम लोग कभी भी किसी चीज का पूरा नाम नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम है आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन नाम है, इतना लंबा नाम कोई बोलेगा सीधे करे या तो मार्कर दीजिए या तो बोर्ड पे लिखने वाला पेन दीजिए, ऐसे ही ना बोलेगा जी, ठीक है। वही बात है कि सर फर्टिलाइज एग नहीं बोल करके हम लोग एग बोलने लगे हैं, क्योंकि सब अच्छा लगता है, हल्का रहेगा ना वर्ड, आदमी सर ये नहीं बोलता है, पर मुर्गी का अंडा का पूरा नाम क्या है, फर्टिलाइज एग है सर,
अगर कोई लड़का कहे नहीं हम एक बोलेंगे तो वो एक्चुअली में ओवम बोल के आ गया। ओवम मतलब क्या, हैप्लोइड सेल। याद आ रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हैप्लोइड सेल थोड़े होता है वो तो जायगोट है, वो नहीं कहते जायगोट है वो। तो जायगोट के लिए दूसरा शब्द क्या होगा, फर्टिलाइज एग। लेकिन हम लोग मार्केट में इतना नाम ले चुके हैं उसका, मतलब जो हम लोग का जो पूर्वज होगा उसका भी गलती नहीं है, वो इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोल के नहीं कहता एक दे दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद वही बात यहाँ पे भी हो गया। हम लोग जो मुर्गी का अंडा जो देखते हैं या खाते हैं तो वो आपको फर्टिलाइज एग है, ठीक है ना, कि एग समझा रहा ना। अब फर्टिलाइज एग जब कोई बाहर निकालता है ताकि आगे का बच्चे का डेवलपमेंट आपको बॉडी से बाहर हो, तो ऐसे घटना को क्या नाम देते हैं, ओविपेरस। और जो आपको सीधे बच्चे को बना के भेजता बाहर है ना, मतलब कि सेल डिफरेंशिएशन शरीर के भीतर हो जाए और तब बॉडी से बाहर आवे, तो इस घटना को क्या नाम देते हैं, वीवीपेरस के नाम से बुलाते हैं। दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में बेहतर वीवीपेरस है, बचने का चांस ज्यादा है, माँ उसको ज्यादा केयर करेगी एज कम्पेयर टू द ओविपेरस की तुलना में जी, ठीक है। ओविपेरस में सर्वाइवल एडवांटेज बहुत कम होता है जी, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ओविपेरस वीवीपेरस बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं है ना, इनप्लांट द जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर में क्या बनता है, जायगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टामेन एंड फ्लावर विदर, ये सब क्या झड़ जाता है एंड फॉल ऑफ। कैन यू नेम दैट प्लांट, यही क्वेश्चन का जवाब दिए भी हम आपको। कैन यू नेम द प्लांट इन विच सेपल रिमेन अटैच, सेपल मतलब कैलिक्स, सेपल और कैलिक्स एक ही बात है जी, ठीक है, कैलिक्स रिमेन अटैच रहता। इसका आंसर दीजिएगा ब्रिंजल है ना। और भी चाहे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं सोलानेसिया फैमिली है ना। द पिस्टल हाउएवर, कभी कभी पिस्टल जो देखते हैं रिमेन अटैच, पिस्टल ऑब्वियसली अटैच रहेगा ही रहेगा है ना। जायगोट आगे जाके किस में बदल जाता है, इमरियो में। ओव्यूल आगे जाके किस में चेंज कर जाता है, सीड में। एंड फाइनली ओवरी किस में चेंज कर जाता है, फ्रूट में चेंज कर जाता है। अब फ्रूट का जो मोटा मोटा जो छिलका होता है, जैसे आंठी आम को काटिएगा ना तो आम का आंठी अलग कर दीजिएगा, वो जो मोटा सा स्लाइस रहता है उस मोटा से स्लाइस को पेरिकार्प कहते हैं। ओवरी के वाल को, थिक वाल को क्या नाम देते हैं, पेरिकार्प के नाम से आते हैं। डायट प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना होता है। आफ्टर डिस्पर्सल, जब डिस्पर्सल होता है सर, ठीक है, जब सीड आपको आगे हकता है सर तो सीड जर्मिनेट करके आगे जाके नया प्लांट बनाता है जी, ठीक है, ये सब कॉमन सेंस है, पढ़ लीजिएगा। समरी से भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, समरी को भी आप लोगों को खुद से पढ़ना है। चैप्टर द एंड हो गया जी, पहला चैप्टर खत्म हो गया, लंबा गया लेकिन खत्म हो गया जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग नया चैप्टर चैप्टर टू पढ़ने जाएंगे, चैप्टर टू को देखेंगे, इसमें देखना नहीं नहीं, कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नया स्लॉट बन जाएगा, दो वीडियो बना के आज डालेंगे।